स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम। और आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हाँ, आप लोगों के लिए जो थंबनेल में आपने देखा होगा कि आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। कितना रिड्यूस हो चुका है वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए दूँ। उससे पहले एक कहानी सुना देता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, एक फ्रेंड रात को पढ़ाई कर रहा था। दूसरे फ्रेंड ने उसको फ़ोन किया कि भाई क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उसने दूसरे फ्रेंड ने पूछा कि तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इतनी रात को 1 बज रही है अभी। तो उसने एक बात कही कि मैंने वो सपना देखा है जो मेरी नींद से भी बड़ा है। तो आप लोगों को उस तरह का सपना देखना है कि आप अपनी नींद भूल जाओ और अपने काम में तन्मयता से लग जाओ। तो इस तरह का सपना देखिए और अपने काम को दिन रात लग कर करिए। और आज उसे आपका काम केवल क्या है, पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई वाले काम को दम लगा के करिए। ये नोटिस जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये नोटिस आया था कल दिनांक का ये नोटिस है। इसमें ये कहा गया है कि इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग द्वितीय तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निम्न संलग्नों के अनुसार यूनिट में से प्रश्न सत्र 2021-2022 की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। मतलब सिलेबस में जो लिस्ट एक दे रखी है, उस लिस्ट में सिलेबस के जो जो यूनिट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2020 और 2021 के एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। बट एक बात और कही है कि अगर 2020-21 के एग्जामिनेशन में किसी बच्चे के बेक रह जाती है और वो एग्ज़ाम 2021-22 में देगा आगे, तो उसका क्या होगा, पूर्ण सिलेबस उसको देना पड़ेगा। मतलब ये छूट आने वाले वर्ष में नहीं मिलेगी, इसी वर्ष के लिए ये छूट दी गई है। तो कोशिश करो और पूरी मेहनत से लग जाओ ताकि इस वर्ष आप लोगों के बेक नहीं लगे और अच्छे से पास हो जाओ। अब यहाँ कहा गया है कि जो यूनिट इन्होंने छोड़ी है उस यूनिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। कौन कौन सी यूनिट छोड़ी है उसकी लिस्ट देख लेते हैं। ये पूरी लिस्ट है जो मैं आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को पूरी सब्जेक्ट वाइज ब्रांच वाइज दे रखी है। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में 202 में 6 और 7 यूनिट नहीं आएगी, 204 में 6 और 7 यूनिट नहीं आएगी, 205 में 6 यूनिट नहीं आएगी। इसी तरह लास्ट के लगभग 2 यूनिट सभी सब्जेक्ट्स में कम कर दी गई है। तो आप लोग अपने ब्रांच के हिसाब से, अपने ईयर के हिसाब से अपना सिलेबस देख ले और नोट कर ले कि कौन कौन सी यूनिट आप लोगों को नहीं पढ़नी है। बोर्ड ने आप लोगों को बहुत अच्छी राहत दी है और आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप लोगों को समस्या नहीं आए और आप अच्छे अंक से पास हो पाए। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।